अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का काम करेंगे। मेरा कायदा सफा नंबर 46, अपनी किताब सफा नंबर 15 और 16 इसमें शामिल है। प्यारे बच्चों देखिए, सफा नंबर 15 पे हरूफ तहज्जी को वाव से मिलाएं। ये हरूफ तहज्जी की आधी शिकार है, ये हरूफ तहज्जी की आधी शक्ल है, आधा लिखा हुआ है उनको हमने। और आगे ये देखिए वाव है, ये आधी शक्ल जो है ना ये इससे दूर है। देखिए दोनों एक दूसरे से दूर है। हमने इधर क्या करना है, हमने इधर दोनों की फ्रेंडशिप करके दोनों को इकट्ठा बिठा देना है ताकि दोनों की आपस में दोस्ती हो जाए, दोनों फ्रेंडशिप हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बे प्लस वाओ, ये बे की आधी शक्ल है। अब हम इस लाइन पे इन दोनों की फ्रेंडशिप करके इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। देखिए इस इन दूसरी लाइन से हम शुरू करेंगे। पहले हमने बे लिखा, बे की आधी शक्ल लिखी, ये जो लिखी हुई है। फिर हम थोड़ी सी नीचे स्लांट लाइन लगाएंगे, स्लांट लाइन लगा के इस लाइन पे वाओ बना देंगे कि हमारा क्या बन गया, बे वाओ वो। इधर भी हम बे वाओ वो लिखेंगे। पहले बे भी अलहदा था, वाओ भी अलहदा था, जब हमने इनकी आपस में फ्रेंडशिप करवा दी तो बन गया बे वाओ वो। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, पे, पे की आधी शक्ल है और वाओ है। अब हमने इन दोनों की फ्रेंडशिप करवानी है, हम पहली लाइन छोड़ देंगे, दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। पहले हमने ये पे लिखा, फिर हम नीचे सांड लाइन लेके आए और इधर हमने वाओ बना दी, पे वाओ पो। आगे देखें, आगे है जीम की आधी शक्ल और वाओ है। ये इन दोनों की हम फ्रेंडशिप करवाएंगे जीम की वाओ के साथ। पहले हमने ऐसे जीम की आधी शक्ल लिखी, फिर हमने थोड़ी सी सांड लाइन लगा के इस वाओ को इसके साथ लिख दिया, जीम वाजो। आगे देखिए सीन, सीन की आधी शक्ल है और वाओ है। अब हमने सीन और वाओ की फ्रेंडशिप करवा देनी है, हम दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। पहले हमने सीन का बड़ा कमरा बनाया, फिर हमने सीन का छोटा कमरा बनाया, फिर हमने स्लांट लाइन लगाई, स्लांट लाइन लगा के वाओ वाओ के साथ इसको जोड़ दिया, सीन वाओ सो। आगे देखिए स्वाद है, पहले हम स्वाद का बैलून बनाएंगे, फिर हम नीचे पहले हमने स्वाद का बैलून बना दिया, स्वाद का बैलून बन गया, स्वाद की आधी शक्ल। फिर हमने स्लांट लाइन के नीचे लेके आए और वाओ की स्वाद के साथ फ्रेंडशिप करवा दी, ये क्या बन गया, स्वाद वाओ सो। आगे देखिए गाइन है, पहले हम गाइन की आधी शक्ल लिखेंगे, ये लिखी गई, फिर हम स्लांट लाइन नीचे लेके आएंगे लाइन से नीचे, फिर हम इसकी वाओ के साथ फ्रेंडशिप करवा देंगे, तो क्या बन गया, गाइन वाओ वो। आगे देखिए फे है, हम दरमियान वाली दो लाइनों में फे की आधी शक्ल बनाएंगे, फे की आधी शक्ल बन गई। अब हम नीचे स्लांट लाइन लेके आएंगे और इसके साथ वाओ को मिला देंगे, क्या बन गया हमारा, फे वाओ फो। आगे देखिए लाम, लाम की आधी शक्ल पहले हम लिखेंगे, ये हमारी लाम की आधी शक्ल हो गई, फिर हम इधर से ये हमारी लाम की आधी शक्ल हो गई, फिर हम इधर से स्लांट लाइन लगाएंगे और वाओ की इसके साथ फ्रेंडशिप कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, लाम वालो। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हम इधर लिख देंगे। प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना है कि हमने जो भी लफ्ज लिखा है नीचे वाली तीन लाइनों में लिखा है, ऊपर वाली तीन लाइनों में कुछ नहीं लिखा। पहली लाइन में हमने उसकी आधी शक्ल बनाई है, फिर स्लांट लाइन लेके आके नीचे उसके साथ वाओ बना दी है। देखें बे वाओ बो, पे वाओ बो, जी वाओ जो, सी वाओ सो, स्वा वाओ सो, गैन वाओ वो, फे वाओ फो, ला वाओ लो। इसी तरह आपने इस ये लाइन भी लिखनी है। आगे देखें प्यारे बच्चों, आगे देखें सफा नंबर 16, हरूफ तहज्जी को वाओ से मिलाएं। इनकी भी हमने वाओ के साथ फ्रेंडशिप करवानी है। एक काफ है, आपको पता है ये काफ बहुत शरारती करता है ना, तो इसकी मामा जो है ना इसको एक डंडा मार देती है, फिर ये चुप कर जाता है। और ये जो इसका दूसरा भाई है ना गाफ, ये उससे भी ज्यादा शरारतें करता है, तो फिर मामा क्या करती है, इसको एक डंडा मार के नहीं, फिर भी शरारतें करना बंद नहीं करता, फिर मामा इसको दो डंडे मार देती है। ये गाफ को जो है ना इसकी मामा इसको दो डंडे लगाती है, एक डंडों वाला काफ है और जिसको मामा दो डंडे लगाती है वो गाफ है। अब हमने काफ काफ की वाओ के साथ फ्रेंडशिप करवानी है। देखिए पहले हम हमने काफ बनाया, ये हमारा काफ बन गया। अब हम स्लांट लाइन लेके आएंगे लाइन के नीचे और इसको साथ वाओ को मिला देंगे, ये क्या बन गया,
काफ वाओ को हमने काफ की वाओ से फ्रेंडशिप करवा ली। अब जो ज्यादा शरारती भाई था ना, जिसको मामा ने दो डंडे मारे थे, उसकी वाओ के साथ फ्रेंडशिप करवा ली है। पहले हमने गाफ की आधी शक्ल लिखी, ये मामा ने इसको एक डंडा मारा, ये दूसरा मारा। जब हम इसकी स्लांट लाइन लेके आएंगे और इसको वाओ के साथ मिला देंगे, ये क्या बन गया, गाफ वाओ गो। आगे देखिए रे है, तो रे इतना शरारती है ना, रे और वाओ है, ये रे है और ये वाओ है, ये रे और वाओ इतने शरारती हैं, ये बहुत शरारती बच्चे हैं, ये किसी के साथ भी नहीं जुड़ते। अगर किसी के साथ जुड़ेंगे ना तो उसको मारते ही रहेंगे। तो फिर इसलिए कोई इन दोनों को, रे को और वाओ को, कोई अपने साथ रखता ही नहीं है, ये अलहदा अलहदा रहते हैं। रे शरारती था इसलिए कोई इसके साथ मिला ही नहीं, और वाओ जो है इसके साथ आके बैठ गया। ये दोनों शरारती एक साथ आके बैठ गए हैं, रे वाओ रो। आगे देखिए मीम और वाओ। पहले हम दरमियानी दो लाइनों में मीम की आधी शक्ल लिखेंगे, फिर नीचे स्लांट लाइन लेके आएंगे और वाओ के साथ इसकी फ्रेंडशिप करवा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, मीम वाओ मो। आगे देखो फे है, हम दरमियानी दो लाइनों में फे की आधी शक्ल लिखेंगे, फिर हम नीचे स्लांट लाइन लेके आएंगे और वाओ के साथ इसकी फ्रेंडशिप करवा देंगे। तो क्या बन गया, फे वाओ फो। प्यारे बच्चों अब हम अपने कायदे का सफा नंबर 40 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ये क्या है, छोटी ये, और छोटी ये की साउंड होती है ई, और ये बड़ी ये है, और बड़ी ये की साउंड होती है ए। छोटी ये की ई, बड़ी ये की ए। ये देखिए सबसे पहले ये तस्वीर देखें, ये क्या है, यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी, ये यक्का, ये यास्मीन, ये यूनिफॉर्म। प्यारे बच्चों आपने अपना काम बहुत खूबसूरती और खुशकती से करना है। घर रहे, महफूज रहे, अल्लाह हाफिज़।